टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं 2500 रुपये और मोबाइल लूटने के लिए कुर्ला के संजय नगर इलाके के रहने वाले ओला ड्राइवर मोहम्मद अली अंसारी की बेरहमी से 5 लोगों ने दीवा में हत्या कर दी है। शील डायघर पुलिस ने इस मामले में हशीरुल शेख, आतिश भोसले, ओमकार काशिकर और प्रशांत स्वामी और एक नाबालिग लड़के सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन 5ों ने बदलापुर से दीवा के लिए ओला टैक्सी बुक किया था। ओला ड्राइवर जब इन लोगों को लेकर खरडी रोड से दीवा के पास पहुंचा, तब इन लोगों ने टॉयलेट का बहाना बनाकर टैक्सी रुकवाई और उसके बाद ड्राइवर मोहम्मद अली अंसारी से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उसके बाद उसके पर्स से 2500 रुपये भी छीन लिया, जिसका विरोध जब मोहम्मद अली अंसारी ने किया तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, इन लोगों ने पत्थर और ब्लॉक से उसके सर पर मारा, जिसके वजह से मोहम्मद अली अंसारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और नग्न अवस्था में इन 5 लोगों ने मोहम्मद अली अंसारी को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP वेंकट आदले ने बताया कि 29 मई को सुबह स्थानीय एक व्यक्ति ने लाश को देखा और इसकी जानकारी शील डायघर पुलिस स्टेशन को दी। टैक्सी बुकिंग और CCTV और गुप्त जानकारियों के आधार पर डायघर पुलिस ने इन हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग लूटपाट के इरादे से ओला टैक्सी बुक करते थे और सुनसान जगहों पर ले जाकर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों की रिकॉर्ड भी खंगालने में जुटी हुई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ACP वेंकट आदले ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। सर, क्या मामला है, हत्या की घटना घटी है? 29/5/2022 सवेरे 9:30 बजे एक शेतकरी है जो बालकृष्ण पाटिल बोल के, वो पुलिस स्टेशन में आया। उन्होंने मालूमात दी है कि जो खरडी की तरफ रोड जाता है और कुहार रोड पे कच्चा रास्ता है, कच्चा रोड है, और उसके बाजू में जो है एक ओवर ब्रिज है, उसके नीचे एक बॉडी है और बॉडी को उसको पत्थर से और फ्योर ब्लॉक से उसको मार के उसका ब्लीडिंग है और मर्डर हुआ, ऐसी मालूमात उसने पुलिस स्टेशन में दिया। उसके ऊपर से गुना रजिस्टर नंबर जो 160/22/302/3396 ऐसा FIR दर्ज हो गया। हमारे वहाँ के ड्राइवर के सीनियर PI गावड़े साहब ने वहाँ पर उनके साथ उनके PI जो है मुजावर यादव मोहिते और API कापड़नीस हार्डेकर काले और चिटनीस, ऐसा 3 टीम बनाया। इन लोगों ने ऐसा सीरियस मर्डर है जिसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है और किस वजह से किया है वो कुछ मालूम नहीं था, इसके टीम बनाए। उसने सब ने CCTV फुटेज देखा, उसके साथ में ओला गाड़ी थी, ओला गाड़ी जो बुक किया था उसके ऊपर से मोबाइल का कुछ मालूम लिया, उसकी ओला गाड़ी वहाँ पर थी, उसका नंबर था MA03CV7195। ये सब टोटली स्टडी करने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि इसमें 5 लोगों ने ये वारदात की है, उसमें से 4 लोग जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो है हसरुल्ला हलीम शेख, दूसरा है आतिश विनायक भोसले और तीसरा है ओंकार प्रदीप कास्कर और चौथा है जो प्रशांत देवराज पेरिया। ये चारों और एक बच्चा जो है वो नाबालिग है, 18 साल से उम्र कम है उसकी। ऐसा 5 लोगों को ताबे में लिया, 4ों को अरेस्ट किया है। ये 4ों को अरेस्ट करने के बाद 30 तारीख को उनको अरेस्ट किया था, आज कोर्ट में उनको दाखिल किया, 3 तारीख को उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। अभी इन्होंने और कुछ ऐसे गुने किए हैं क्या, उसके बारे में मालूमात लेने चालू है और इनके ऊपर कोई ऑफेंस है क्या, ऐसे टाइप्स के गुनहगार है क्या, हार्ड क्रिमिनल है क्या, इसकी मालूमात ली जाएगी और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।